नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको आर्निका मोंटाना मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों ये, और साथ में आज मैं आपको इसके टॉप फाइव जो है बेनिफिट्स भी बताऊंगी, यानी कि चार मुख्य इसके लक्षण बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट देते हैं। अगर आप, मैं आपको जो पांच लक्षण बताऊंगी, अगर उन केसेस में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में ही बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लेट बी स्टार्टिंग द वीडियो। आर्निका मोंटाना मेडिसिन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा वेल नोन मेडिसिन है फ्रेंड्स, हर कोई इसे जानता है। स्पेशली इन द केसेस ऑफ अगर आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, इंजुरी हो गई है, तो उन केसेस के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन मैं आज आपको इसके और भी इफेक्टिव जो है लक्षण भी आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका सबसे मुख्य लक्षण जो है वो जाने, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका स्पेयर्स ऑफ एक्शन कहाँ है, यानी कि दोस्तों ये कहाँ कहाँ हमारे शरीर पे दोस्तों काम करती है। ये जो आर्निका मोंटाना मेडिसिन होती है फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लड यानी कि जो हमारा खून होता है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, यानी कि जो खून पहुंचाने वाली जो नलियां होती है दोस्तों, उन पर बहुत अच्छा काम करती है, कैपिलरीज पे बहुत अच्छा काम करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन ये होता है कि ये जो हमारा ब्लड होता है उसे एब्जॉर्ब करने का भी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। तो ये है इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन। तो ये है फ्रेंड्स आर्निका मोंटाना 200 मेडिसिन, बहुत ही अच्छे मेडिसिन है। अभी जो मेरे पास अवेलेबल है ये SBL कंपनी की है, 30 ml इन द नेट क्वांटिटी में मेरे पास अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये ऐसी ग्लास बॉटल की पैकेजिंग में फ्रेंड्स आती है। अगर आपको फ्रेंड्स किसी भी टाइप की इंजुरी हो गई है, चोट लग गई है, अगर आप गिर गए हो और उसके कारण आपको चोट लग गई हो, उसमें से ब्लीडिंग हो रही हो दोस्तों, खून निकल रहा हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ में अगर वो चोट के कारण अगर अब वो स्किन का एरिया पर्टिकुलरली ब्लू कलर का हो गया हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स। चाहे वो आप एक्सीडेंट में अगर आपको चोट लगी हो, चाहे अंदर कि आपको फ्रैक्चर हो दोस्तों, तो उसकी वजह से जो आपका ब्लूइश आपकी जो स्किन हो गई है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड जिसको हम कहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर आपको रगड़ लग गई है, रगड़ वाली चोट है जिसमें आप जैसे कि फॉल फ्रॉम द हाइट से गिर गए हो, तो उसके कारण चोट हो, चाहे मैकेनिकल इंजुरी हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो निडल, अगर आपको इंजुरी हो गई हो, ट्रॉमेटिक इंजुरी हो गई हो जिसमें ब्लड का लॉस हो रहा हो, तो उन सभी टाइप की इंजुरी के लिए बहुत ही अच्छे काम करती है। साथ में अगर आपको वहां पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो टच करने पे, यानी कि अगर आप उस पर्टिकुलर चोट वाले हिस्से को टच करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको पेन होगा, और रेस्ट करने से यानी कि आराम करने से आपको अच्छा बेटर फील होता हो दोस्तों, तो उन सबके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आपको चोट लग गई है तो वहां पर अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हो जाए ड्यू टू द ओपन वाउंड्स के कारण दोस्तों, तो उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, ब्लीडिंग को रोकती है, यानी कि जो खून आपका बह रहा है तो उसे रोकती है। साथ में इन सेप्टिक कंडीशन के लिए दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन। दूसरा लक्षण है वो है रूमेटिज्म, यानी कि अगर आपको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, चाहे दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा आपको जो है ब्रशिंग होती हो, यानी कि बहुत ज्यादा वो एरिया ब्रश्ड हो गया हो, बहुत ज्यादा जो है दोस्तों उसमें ब्लूइश और रेडिश कलर का हो गया हो, हॉट एरिया हो गया हो, सूजन आ गई हो घुटनों में दोस्तों, दर्द होता हो उन पे, तो उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। वहां पर ये जो ब्लड होता है दोस्तों उसको प्रॉपर सप्लाई करती है। वो जो पर्टिकुलर एरिया है बहुत सेंसिटिव है टू टच, यानी कि उसको आप टच करोगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, स्पेशली खड़े रहते टाइम आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, यानी कि अगर आप स्टैंडिंग पोजिशन पे रहते हो बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप खड़े हो, तो उस वजह से आपको अगर कमर दर्द की शिकायत है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। टोटल ओवरऑल दोस्तों रूमेटिज्म केस में भी बहुत अच्छा ये काम करती है, सोलन जॉइंट्स केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड जो इसका लक्षण है दोस्तों वो है बैक पेन, यानी कि अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है दोस्तों, तो आर्निका मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम करती है।
किसी भी टाइप के दर्द के लिए, चाहे वो आपको कमर में ही क्यों ना दर्द हो, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी काम करती है वो। चाहे वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, जिसको हम दोस्तों अगर आपकी जो वर्टिब्रा होती हैं, स्पेशली जो लंबा वर्टिब्रा होती हैं, वो वर्टिब्रा अगर अपनी जगह से खिसक जाती है, जिससे हम फ्रेंड स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं, और उस वजह से हमारी जो नर्व होती है, यानी कि जो नसें होती है, उसे ये दबा देती है हमारी जो खिसकी हुई जो हड्डी है दोस्तों, तो उस वजह से हमें बहुत सारे तमाम जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं। तो उस स्लिप डिस्क के लिए, जिस वजह से अगर आपको कमर दर्द की समस्या है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। लगातार खड़े रहने के कारण अगर आपको कमर में दर्द होता है दोस्तों, पैरों में दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड ये हमारे हार्ट के ऊपर, यानी कि जो हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। चाहे आपको हार्ट में जो है दोस्तों क्लॉटिंग हो गई हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आपकी जो एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि अगर आपको हार्ट में चेस्ट में पेन होता हो, आपके हार्ट वाले चेस्ट वाले रीजन पे अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर का पेन दर्द होता हो, तो उसके लिए अच्छी है। खून को पतला करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर आपको वो दर्द जो है आपके लेफ्ट हैंड, यानी कि आपका जो लेफ्ट वाला हैंड होता है, एल्बो होता है, आपके कोहनी जो होती है लेफ्ट वाली, तो वहां तक वो दर्द एक्सटेंड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका अगर पल्स, हार्ट बीट जो होती है, पल्स जो होती है, वो इरेगुलर रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छे टोटल ओवर आपके जो कार्डियक सिस्टम है, यानी कि जो आपका हार्ट है, तो उसके फंक्शनिंग के लिए दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन। जो दोस्तों इसका लक्षण है वो है पैरालिसिस इफेक्ट, यानी कि अगर आपको पैरालिसिस इफेक्ट है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका जो मसल्स है पर्टिकुलर, वो पैरालाइज हो गई है, तो जिस वजह से आपका प्रॉपर जो है मस्कुलर जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अच्छी है, क्योंकि ये हमारी मसल्स, हमारी जो नर्व्स होती हैं, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाइंग देती हैं, तो उसके लिए अच्छी है। हमारी जितने भी स्ट्रेन आते हैं, स्प्रेन आते हैं, मसल्स जो हमारी खींच जाती हैं, खिंचाव हो जाता है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है मेडिसिन है। साथ ही साथ दोस्तों एपिटैक्सिस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि अगर आपको नोज ब्लीडिंग होती है, लिए भी आर्निका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली अगर आपको कोई सी नोज की नेजल पॉलिप हुआ हो, चाहे तो उसकी अगर आपको सर्जरी हुई हो, तो उस वजह से आपको इंस्ट्रूमेंटल इंजुरी हो गई हो, इंस्ट्रूमेंट से इंजुरी हो गई हो, वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उससे आपको इंजुरी हो गई हो, तो उस वजह से अगर आपको फ्रीक्वेंट एपिटैक्सिस होने लग गया है, नाक में से ब्लीडिंग होने लग गई है, तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये थे फ्रेंड्स इसके इफेक्टिव, यानी कि टॉप 5 मुख्य लक्षण हमारी आर्निका मोंटाना, हमारी आर्निका मोंटाना मेडिसिन के। तो आप इनका जो है इन पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसका यूज करते हैं, तो इसको कम से कम आपको 2 बूंद कम से कम दिन में 3 से 4 बार अपनी जुबान पे, अपनी टंग पे आप इसको जरूर जो है डालिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, पास ही में बेल आइकन है उसे भी आप जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।